नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों मैंने जो है पहले वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि जो आरसीबी है वो अभी भी प्ले ऑफ की रेस में बनी हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मुंबई इंडियंस है वो भी दोस्तों अभी तक इस आईपीएल में जीवित है और वो कैसे। अगर आपको जानना है तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी याद से दबा दीजिए ताकि आपको जो है आईपीएल की न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस ने जो है अभी फ़िलहाल आईपीएल में कुल 8 मैच खेले हैं और 8 में से जो है सिर्फ 2 ही मैचेस में मुंबई इंडियंस को जीत मिल पाई है। और दोस्तों अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस के बाकी के बचे 6 मैचेस की। दोस्तों अगर मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2018 के प्ले ऑफ में क्वालिफाई करना है तो यहाँ से जो है मुंबई को अपने बाकी के 6 जो मैचेस बचे हैं वो सभी मैचेस जीतने पड़ेंगे, तब जाके जो है मुंबई के चांसेस बनते हैं इस प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो मुंबई इंडियंस के लिए टास्क है ये बहुत ही बड़ा टास्क है और बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये जो है नामुमकिन भी नहीं है क्योंकि ये आईपीएल है, यहाँ पे जो है कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अगर मुंबई इंडियंस अपने बाकी के बचे 6 में से 6 मुकाबले जीतते हैं तब जाके जो है मुंबई इंडियंस के 16 अंक होंगे और तब जाके मुंबई इंडियंस प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। दोस्तों अगर मुंबई इंडियंस अभी फ़िलहाल एक भी मैच हार जाती है तो उनके जो है प्ले ऑफ में जाने के चांसेस लगभग से ख़त्म हो जाएंगे, तो ये जो है मुंबई के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आप मुंबई इंडियंस के फ़ैन हो तो आप सभी को एक बात तो बखूबी पता होगी कि जो मुंबई इंडियंस है वो हमेशा से पीछे से वापसी करती है और हम सभी ने कई बार देखा भी है कि मुंबई ने ऐसा नामुमकिन काम किया भी है कि 6 में से 6 मुकाबले जीती भी है और आईपीएल की चैंपियन भी बनी है। लेकिन दोस्तों इस बार कहानी कुछ और है, क्या पता मुंबई क्वालिफाई करती है कि नहीं करती है, लेकिन अभी भी मुंबई के पास पूरा चांसेस है कि वो क्वालिफाई कर सकती है। दोस्तों यहां से जो है मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तब जाके जो है मुंबई क्वालिफाई कर पाएगी, नहीं तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। दोस्तों आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस अपने बाकी के 6 मैचेस जीत पाएंगी, क्या वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएंगी? अपने विचार बताओ नीचे कमेंट करके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी याद से दबा दीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।